Hey guys. Hello everyone. आज के स्टूडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। Without asking कैसे हो सब लोग? हम इतने दिन कहाँ थे? ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 दिन ही हुए। मेरी सिस्टर आई हुई थी तो मैं उसके साथ बिजी थी खेलने में, तो वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। Yes. So आज आर्ट एंड क्राफ्ट का सीन है, दोस्त के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो मैं नहीं ला पाई हूँ, इसीलिए जो घर पे अवेलेबल मटेरियल है उसी से कुछ बनाने का है। तो वी विल इंट्रोड्यूस देम वन बाय वन विद द मटेरियल व्हाट डू वी हैव एंड व्हाट वी आर प्लानिंग टू प्रिपेयर आउट ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो मेहर बताइए क्या क्या है हमारे पास। पहले ये है, ये हमारे पास दो हॉर्लिक्स के डिब्बे हैं। ये छोटा है, नहीं ये छोटा है, दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं। ये वाला छोटा है गाइस, ये थोड़ा सा छोटा है, देखो। अगर ये छोटा है तो ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि मैं तो डीमार्ट से उसी प्राइस मैं आई ट्राई टू प्रिपेयर अनदर वीडियो ऑन डीमार्ट। वी आर अ रेगुलर शॉपर्स फ्रॉम डीमार्ट एंड वहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ों में यूज़ किया, काफ़ी ग्लिचेस, ये दोनों हॉर्लिक्स के हाँ काफ़ी प्रॉब्लम रहती है यार वहाँ के प्रोडक्ट में। आई प्रिपेयर डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट, वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू लिखूंगी जिनसे मैं क्वाइट अनसेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्कैम्स होते हैं जिनके भी यहाँ पर हमारे साथ लूट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अच्छा, सबसे बड़ी लूट तो मुझे अभी पता चली इस वीडियो के प्रिपरेशन के दौरान कि देखो दोनों एक ही प्राइस में लिए हैं एंड फिर भी ऐसी से पहले से पता था, थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंट है, इफ यू कुड सी यहाँ से थोड़ा सा ये छोटा है, सीधा कर देंगे। ठीक है, सो व्हाट डू वी हैव हमारे पास स्मॉल सर्कुलर मिरर्स, ये डेकोरेशन के लिए है। और ये है हमारे पास शीट्स बहुत सारी, ये हमने डीमार्ट से ली थी। डीमार्ट में ये बहुत अच्छी अच्छी थिक क्वालिटी की आती है, बहुत बड़ी आती है, A4 साइज़ की। हाँ ये बहुत सारी हैं, तो हम इनमें से कोई भी कलर चूज़ करेंगे और इन दोनों को प्रिपेयर करेंगे हमारा प्लांट पॉट बनाने के लिए। एज़ यू कैन सी ऑन माय बैकग्राउंड मैं बहुत सारे प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स का रखती हूँ, ऊपर अच्छा लगता है। लेट्स सी, ये प्लास्टिक आएगी जिसमें हम प्लांट्स तो लगा सकते हैं, अगर आप रियल प्लांट लगाते हो मिट्टी डालकर तो भी बहुत बढ़िया, और अगर आप रियल प्लांट नहीं लगाते हो आप आर्टिफिशियल लगाते हो दैट वुड बी आल्सो फाइन। ये हमारे पास ग्लिटर है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तू है लाजवाब। कौन सा ले, ग्रीन ले? ग्रीन नहीं, नो नो ग्रीन नहीं, ये नहीं, ये ले जिस पे दो लाइट कलर, एक ये लेते शीट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। आई गेस हमें ना ग्लू गन यूज करनी चाहिए ना, ये पेन। तो आई गेस अगर मैं इसको प्लास्टिक से इसको रैप करूंगी तो फेविकोल से करूंगी तो बहुत टाइम भी जाएगा और पता नहीं ये कितना स्टेडी होगा। तो वी हैव ग्लू गन एज वेल, तो हम इसके लिए हाँ ग्लू गन यूज करते हैं। गर्मी बहुत यार, आपने गर्मी वाला वीडियो देखा क्या? बस हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे मैं छोटी मोटी एक्टिंग तो कर ही लेती हूँ। और मेरे हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हों गर्मी के अलग अलग तरह के लोगों के एक्सपीरियंस सुनने के, तो यू कैन ऐड दोज इफ यू हैव सीन आवर वीडियोस। सो आप उसमें ऐड करके बताना कि और किस तरह के लोग होते हैं। लेट्स स्टार्ट करें, तो चलाते हो फटाफट से, फिर कुछ तिकड़म लगाकर कुछ गजब गजब करने की कोशिश करते हैं आज के आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियो में। दो आपको बताऊँ एक सीक्रेट की बात, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, आई एम नॉट ग्रोइंग ऑन ट्रम्पेट हियर, पर सच में बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं बचपन से बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ और मेरे मुकाबले मेरी बेटी कम ही क्रिएटिव है, वो ज़्यादा वो सारे टैबलेट नहीं लग रही है। दिस यूट्यूब चैनल इज टोटली टू डिस्ट्रैक्ट हर फ्रॉम दीज गैजेट्स। मेरे टाइम में तो गैजेट्स नहीं थे, हमारे टाइम में गैजेट्स कहाँ थे, हमको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, कैसेट, सीडीज, पार्क्स, गार्डन्स, फ्रेंड्स, और इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गैजेट वैजेट। लेट मी हेल्प हर नाउ। ऑल राइट, तो हमने सॉकेट बॉक्स ठीक कर लिया, वो ख़राब हो गया था। उसके बाद अब ग्लू गन लेकर आए। अरे यार ग्लू गन ख़त्म हो गई, एक और ग्लू गन लेकर फटाफट से, मे बी हमें ठीक करने की जरूरत पड़े। ये हमारी ग्लू गन है ख़तरनाक वाली, पिछले सात अगर जिसने भी हमको अनसब्सक्राइब करा उसको इसी ग्लू गन से ठोक देंगे। पिछले 4 सालों से बहुत ट्रिमेंडसली चल रही है बंदी या बंदा जो भी है ये ग्लू गन, और अभी इसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सेफ़ है, अगर आपने ग्लू गन कभी यूज़ नहीं करी है या आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आप नए हो या आपको कभी यूट्यूब वगैरह पे देख रहा है अच्छा लगता होगा कि ग्लू गन, एक ग्लू गन तो होनी चाहिए फिर, तो मैं बता दूँ इसको यूज़ करना एकदम सेफ़ है। बट द थिंग दैट मैटर्स, ग्लू गन मार्केट में आई गेस मिनिमम 150-200 से लेकर 1000 तक की भी जाती है। दिस वॉज अ 450, दिस वॉज अ 450,
और मैं जैसे बता चुकी हूँ 4 साल से चल रही है, बहुत अच्छी मल्टीपल टाइम यूज़ कर चुकी हूँ। मेरा ज्वेलरी का जैसा यू नो मेरा प्राजन क्राफ्ट ज्वेलरी का काम भी है, तो उसमें जब हम मुझे फ्लावर ज्वेलरी वगैरह के जिसमें फ्लावर ज्वेलरी वगैरह के ऑर्डर आते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहती। तो पहले मैं सबसे पहले इस लेयर पे एक लगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो गाइस पहला डब्बा रेडी हो चुका है, बहुत टाइम लगा है। मैं करूंगी ये वाला, मैं प्लीज मामा ठीक है ये वाला मेल करने देते हैं, और अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये खाएगी मार मार। रुक जा, पहले स्ट्रेटजी, फर्स्ट प्लान योर स्ट्रेटजी। इसको लगा यहां पर हम ये वाला पेपर यूज करेंगे। Never underestimate the power of your mother. Ab जहां से ये दोनों जॉइंट है ना वहां से इन दोनों को चिपका देने का। की में कुछ अच्छी है, कैसे बोला आपने? सच्ची में बोल के दिखाना। ऑलराइट सच्ची में बोल के दिखाना। दोनों जुड़ चुके हैं, अब डेकोरेशन बाकी है। दोपहर को घर का छोड़ गया। डेकोरेटिंग करनी है इसको, डेकोरेटिंग सारे पैसे बर्बाद कर रही है अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाने के। देखिए मैं तो ज्यादा पढ़ लिख पाई नहीं। अरे डेकोरेशन कर रही है। अच्छा। मैं तो अनपढ़ हूँ। अच्छा। लेकिन मैं चाहती थी मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े। आज इंग्लिश ग्रामर की टीचर है गोरी, मैं ज्यादा पढ़ लिख पाई नहीं। वाह एक ज्वेलरी के मतलब। अरे इंग्लिश ग्रामर की सरकारी टीचर हूँ। सरकारी क्या होता है आपको बताना? सरकारी टीचर। प्राइवेट टीचर नहीं हो तो फिर जो बच्चे आपके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे वो कौन ट्यूशन पढ़ना? सब ऑनलाइन वही
और सब भी सरकारी बच्चे हैं। सरकारी बच्चे और सरकार से ही है। ठीक है, बहुत सारे जोक्स है। बहुत माथा फोड़ी के बाद ये फ्लावर पॉट बन गया है। मुझे तो सुंदर लग रहा है, आपका पता नहीं। अच्छा चलो इसको डेकोरेट करके देखते हैं कैसा लगता है। मेरे पास अभी आर्टिफिशियल प्लांट्स ये है, गाइस अभी आते आर्टिफिशियल फूल आ ज्यादा नहीं है, मैंने रखे ही नहीं ज्यादा, सब नेचुरली मेरे पास। ये एक है, ये आप इसमें रख सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने से काम नहीं चलेगा, एक गुड़िया भी रख सकते हैं। इतने से काम नहीं चलेगा, आप इसमें बड़े से प्लांट रखोगे तो बहुत चलेगा। ये तो खैर रेडीमेड थी जो मैं लाई थी बाजार से, आईडिया ऑफ दिस बैम्बू प्लांट व्हिच आई हैव, लेट्स सी इसको यूं लगाया तो कितना भी लगा नहीं, तो ये पर्पस यही है इसको बनाने का। आप इसमें कुछ भी नहीं रख देना, आप इसमें कुछ भी डाल के अच्छे से प्लांट बना सकते हो। क्या आर्टिफिशियल डालो चाहे मिट्टी डाल के नया बनाओ, आपको जिस भी तरह का बनाओगे आपका बन जाएगा। सो गाइस दैट वाज फॉर टुडे गाइस, ये हमने आज बनाया है इतना ब्यूटीफुल सा पॉट। आप इसमें, मेरे पास अभी कोई आर्टिफिशियल पॉट नहीं है इसमें रखने के लिए, तो ये ऐसे ना पैन स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं, ब्रश स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं। नहीं, आप इसे बिल्कुल पैन स्टैंड और ब्रश स्टैंड की तरह यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी साइज देखिएगा, सारे पैन और ब्रश तो इसके अंदर ही छुप जाएंगे। इसके आई वुड रादर सजेस्ट कि साइज के अकॉर्डिंग देखो आप इसमें लॉन्ग प्लांट ऐसे करो, कुछ भी आर्टिफिशियल रख सकते हो और अपने डेस्क पे रख सकते हो। जैसे कि देखो मैंने मेरी डेस्क पे यहाँ बहुत सारे रख रखे हैं, मैं राइटिंग करती हूँ और बैठे बैठे बहुत कुछ करती रहती हूँ अपने लैपटॉप में पीसी में। तो तब तक के लिए अभी आज इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया, इससे तो और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा राइटिंग करनी पड़ेगी। बाय बाय, सी यू लेटर, बाय बाय। गधा कहेगा कैमरा भी, यूं कौन बोलता है। यहाँ कर लूँ, हट हट, थोड़ा सा टांग इधर।